नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास त्रिवेदी और विकास त्रिवेदी जीएस फैकल्टी में आपका स्वागत है। देखिए, थीम चल रही है 12th और बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक है टाउन प्लानिंग इन कैलकटा। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन करके देख लिया था जो सीयूटी के लिए इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो भी मैं आपको बताता चला था, और जो आपके एकेडमिक्स के लिए इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो भी मैं आपको बताता चल रहा था। आज कलकत्ता के बारे में देखते हैं, और आप सारे लोगों को पता होगा कि ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में जो कलकत्ता थी वो ब्रिटिश की क्या थी, कैपिटल थी। अब आपके कंपटीशन के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज आ रही है वो इम्पोर्टेंट चीज ये आ रही है कि कलकत्ता किस ईयर में, ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की राजधानी हट गई थी और कलकत्ता की जगह बना दी गई थी दिल्ली। तो 1911 जॉर्ज पंचम यहाँ पर आए हुए थे, और ये जो कलकत्ता बनाई गई थी ये आपकी 1905 में एक तरह से देखा जाए कलकत्ता का क्या हो गया था, पार्टीशन हो गया था, और ये पार्टीशन जो किया था वो लॉर्ड कर्जन ने किया था। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द सीयूटी एग्जामिनेशन एज वेल एज द पीजीटी टीजीटी एग्जामिनेशन। ओके, तो कलकत्ता राजधानी शुरुआत में थी और कलकत्ता बाद में 1911 में कलकत्ता राजधानी को खत्म कर दिया गया और इसकी जगह दिल्ली आ जाती है। तो आज हम देखेंगे कि कलकत्ता में किस तरह से टाउन प्लानिंग की गई। ठीक है, जाहिर सी बात है, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जब चल रहा था तो कलकत्ता पे ही सबसे ज्यादा नजर थी अंग्रेजों की। क्यों थी नजर? क्योंकि ये सबसे प्रॉस्परस, वन ऑफ द प्रॉस्परस, आप कह सकते हो नवाब का एरिया था, और इसका नवाब था सिराजुद्दौला। हमेशा मैंने आपको बताया और अभी भी बताऊं, सिराजुद्दौला इसका जो है नवाब हुआ करता था। अब यहां पर हम देखते हैं कि कलकत्ता को किस तरह से डेवलप किया गया। इससे पहले हमने आपको बताया था कि जो डेवलपमेंट की आइडियोलॉजी थी ये ब्रिटिशर्स बहुत पहले ला चुके थे, और इसीलिए इन्होंने क्या शुरू की थी, मैपिंग शुरू की थी। ठीक है, तो किसी भी शहर के ड्राफ्टिंग के लिए या उसके सेटअप के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से, ये मैं 12th के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, तो आप सबसे पहले आपने आंसर में लिखे कि बिकॉज ऑफ द प्रॉपर मैपिंग। ठीक है, मैपिंग की वजह से किस तरह की जमीन है, किस तरह की टोपोग्राफी है, किस कहाँ पर क्या सारी चीजें अवेलेबल है, और उस हिसाब से हमें म्यूनिसपैलिटीज वहां की देखनी है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज जो आ रही है वो मैं आपको फोकस करके बताता हूँ कि यहाँ पर एक ईयर दिया गया 1756 यानी 1756 दिया गया है। ये 1756 देखिए यहाँ पर लिखा, उसे सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल अटैक कैलकटा। अब अटैक क्यों किया, ये आपके जो है क्या कहते हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। देखिए, फोर्ट विलियम जो है बना रहे थे अंग्रेज। अब फोर्ट विलियम क्यों बना रहे थे, क्योंकि इनको ट्रेड करना था, और ट्रेड का माल सुरक्षित रखने के लिए ये एक ऐसा फोर्ट बनाया करते थे जिसमें इनकी कैंट एरिया भी हुआ करता था, इनका डिपो भी हुआ करता था, इनकी छोटी सी जो है रेजिडेंशियल एरिया भी हुआ करता था जहां पर सारे ब्रिटिशर्स रहा करते थे, यूरोपियंस रहा करते थे। अब जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है तो ये अंग्रेजों को पसंद नहीं आया, क्योंकि सिराजुद्दौला बहुत ही ताकतवर था, यंग था, ठीक है, और उसको भी ये लगता था कि ये भाई बंगाल मेरा इलाका है, मेरे इलाके पे अंग्रेज कैसे काम कर सकते हैं, अगर इन्हें काम करना है तो मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। भाई परमिशन क्यों लेनी पड़ेगी, क्योंकि आई एम द नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, तो यहां पर हम यही देखते हैं कि बिना पूछे फोर्ट विलियम जो शुरुआत में बना तो था लेकिन इसका फोर्टिफिकेशन नहीं होता, चारों तरफ से दीवार इसकी नहीं खड़ी हुई थी, ठीक है, ये अंग्रेज करने लगे। नवाब के लोगों ने बताया कि साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, नवाब ने कहा अरे मेरी परमिशन के बिना कैसे हो सकता है, नवाब ने हिदायत दी, वार्निंग दी, लेकिन ये लोग नहीं माने। फाइनली 1756 में नवाब पोर्ट विलियम को तहस नहस कर देता है, जाकर अटैक कर देता है। अब नवाब की ताकत को कौन चैलेंज करेगा, है ना, और इससे नाराज होता है रॉबर्ट क्लाइव। याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव उस समय बंगाल का पहला गवर्नर था। सब आपके लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं लेके आ रहा हूँ, प्लीज आप इन सारी चीजों को पर गौर करिए, अपने कंपटीशन के लिए इसके नोट्स बनाइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 100% सब्सक्राइब ही करिए, लेकिन लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक करने से ये लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत कुछ मैं कर पाया आप लोगों के लिए। एनीवे, तो अटैक कर देता है, और 20 जून की घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। इसमें फोर्ट विलियम के अंग्रेजों को जो है कि अच्छा, बहुत सारे डिस्क्रिप्शन अलग अलग लिखे रहते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कहीं 221 आता है, कहीं 121 आता है, कहीं 146 लोग आते हैं। जो भी हो, इन सारे लोगों को उसने एक कोठरी में बंद कर दिया, ठीक है, और इसमें एक छोटी सी खिड़की हुआ करती। ये कोठरी लगभग 4 से 5 कैदियों के लिए ही थी, लेकिन इसमें लगभग 126 के आसपास कैदी अंग्रेज जो थे उनको गिरफ्तार करके डाल दिया गया। और सुबह लगभग 23 लोग, कहीं कहीं 21 भी आता है, जिंदा मिले। इसी को कहा जाता है 20 जून की 1756 की ब्लैक होल ट्रेजरी, ठीक है। अब इससे रॉबर्ट क्लाइव वहां गुस्सा हुआ। उसने कहा कि अरे, वी आर द कमिंग एम्परर, हमें कैसे किया जा सकता है? तो चलो सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ाई छेड़ दे। अच्छा, अंग्रेजों की इतनी हिम्मत कैसी हो गई थी कि बिना उससे पूछे, सिराजुद्दौला से पूछे, फोर्टिफिकेशन करा लेके थे। इसका मेन रीजन था दस्तक। दस्तक का मतलब ये होता है कि एक रॉयल पास। ये किसके द्वारा दिया गया था अंग्रेजों को? ये दिया गया था फर्रुख सियार के द्वारा। ये उस समय का मुगल बादशाह था। अंग्रेजों ने इसकी एक बीमारी को ठीक किया था, इससे राजा खुश हो गया। और राजा ने कहा कि बंगाल में बोलो क्या चाहते हो? अंग्रेजों ने कहा कि हम साहब बंगाल में फ्री ट्रेड करना चाहते हैं। तो फ्री ट्रेड पास था दस्तक, और दस्तक दे दिया गया। भाई, बंगाल के नवाब को बहुत बुरा लगा, और कहीं ना कहीं ये बात बंगाल के नवाब के मन में ठनक गई कि ऐसा हुआ। एनीवे, जो भी हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को उसके ही एक ट्रेटर वजीर, जिसका नाम था मीर जफर की सहायता से मार देता है। और इस तरह से हम देखते हैं बंगाल का नवाब मीर जाफर बन जाता है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, प्लीज इन सारी चीजों को आप पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं कि फिर कैलकटा शहर बसाया जाता है, और कैलकटा शहर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 अलग अलग गांवों को मिलाकर बनाया गया, सुल्तानाती, कोलकाता और गोविंदपुरी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि इस तरह से 3 अलग अलग जगहों को मिलाकर क्या बना दिया गया, आपका कलकत्ता शहर बना दिया गया। अब कलकत्ता शहर बना दिया, लोगों को जो है डर तो था, लोगों का मतलब अंग्रेजों को ये डर तो था कि बंगाल के नवाब को हमने मार तो दिया, ऐसा ना हो जाए यहाँ की जनता में कभी बगावत हो जाए और ये हमको मार बैठे। लिहाजा उन्होंने जो महल एक अपना एक तरह से बनवाया, ठीक है, इस महल के सामने बहुत सारा खुला मैदान छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि भाई यहाँ पर लगी हुई है तोपें, और अगर यहाँ पर काफी डेंस पॉपुलेशन होगी और किसी तरह से इन पर अटैक की साजिश अगर की जा रही है तो तोप दागने में दिक्कत होगी। लिहाजा इन्होंने क्या किया, लिहाजा इस ओपन एरिया को और साफ करके एक बहुत बड़ा लंबा मैदान वाला एरिया बना दिया। इसी एरिया को गरीड़ मठ बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यह, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई गरीड़ मठ वॉज बिल्ट, बिकॉज उनको अपनी सुरक्षा ज्यादा प्यारी थी इस वजह से। लेकिन अब कलकत्ता तो आ गया था अंग्रेजों के हाथ में। अच्छा, एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1757 में, 1757 में युद्ध हो तो गया, लेकिन अभी भी बंगाल पूरी तरह से अंग्रेजों के कब्जे में आया नहीं था। कुछ और चाहिए था अंग्रेजों को, क्योंकि इनको यार कितना भी मिल जाता था ना, इनको इनका पेट नहीं भरता था। इनको बंगाल के सारे रिसोर्सेस पर अपना शासन चाहिए था। तो कैसे चाहेंगे? 1764 में, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, 1764, पहले भी बता चुका, बैटल ऑफ बक्सर। अब बक्सर में शाह आलम सेकंड जो मुगल प्रिंस था, उसके अलावा शुजाउद्दौला, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, एक सिराजुद्दौला था, एक शुजाउद्दौला है। ये कहाँ का नवाब था? ये अवध का नवाब था, ठीक है। और भाई मीर जाफर बन तो गया था, लेकिन कभी भी ये अंग्रेज डिमांड कर देते, लाओ पैसा, लाओ पैसा, लाओ पैसा, लाओ। मीर जाफर परेशान, मीर जाफर ने मीर कासिम को बना दिया बंगाल का नवाब, और इन तीनों के अलायंस को हराया
हेक्टर जो ब्रिटिश गवर्नर ब्रिटिश कमांडेंट था उस समय, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव चला गया था कुछ काम से जो है ब्रिटेन। ठीक है, तो यहां पर हम ये देखते हैं 1764 में ये सारी चीजें हारने के बाद दीवानी राइट्स और आपकी डिप्लोमेटिक राइट्स, आपकी डिफेंस राइट्स, ये सारे राइट्स किसके पास आ जाते हैं? ब्रिटेन के पास आ जाते हैं, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाते हैं। और आप क्या चाहिए था? अनाप शनाप पैसा। अनाप शनाप पैसा है तो अपनी तरह से शहर शहर को क्या करना है? डेवलप करना है। अब भैया जब अपनी तरह से डेवलप करना है तो क्या किया जाए? अपनी तरफ से जब वो उनको डेवलप करना है तो उन्होंने क्या किया कि कलकत्ता को एक प्लानिंग के तहत सेटल करना शुरू किया। सबसे पहले तो हम यहाँ देखते हैं फोर्ट विलियम को जो है उन्होंने बनाया और गरेड़ मैदान बनाया, गरेड़ मठ बनाया। 1798 में हम देखते हैं लॉर्ड वेलेजली ने एक बहुत ही पैलेशियल बिल्डिंग बनवाई जो अभी आप आगे जो है पिक्चर में देखेंगे। और ये एक तरह से गवर्नर हाउस हुआ करता था, गवर्नर जनरल हाउस हुआ करते थे। लॉर्ड वेलेजली के समय में सब्सिडरी अलायंस, छोटे एग्जाम के लिए आप यही लिखेंगे कि सब्सिडरी अलायंस किसने शुरू की, तो लॉर्ड वेलेजली ने, लेकिन ये सही आंसर नहीं। ठीक है, वेलेजली ने जो इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी, और इलाहाबाद की ट्रीटी 1765 में हुई थी अक्सर के युद्ध के बाद, इसी को मॉडिफाइड करके सब्सिडरी अलायंस बनाया था। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस इसने एक तरह से शुरू किया था। तो भाई उस समय का गवर्नर जनरल था, मतलब तोप आदमी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी आप कह सकते हो। तो उसने क्या किया, एक गवर्नमेंट हाउस बनाया। अब गवर्नमेंट हाउस जब उसने बनाया तो उसने जो हिंदुस्तानी आबादी वाले हिस्से हुआ करते थे, जो बहुत ही भीड़ भाड़ वाले इलाके हुआ करते थे, एक्सट्रीम जो है वेजिटेशन हुआ, गर्मी ये वो, गंदा पानी भरा हुआ है, क्योंकि पुअर लोग रहते थे। अब पुअर लोग रह रहे हैं तो बेचारे वो कहाँ से, उनके पास तो खाने तक के लिए था, तो कहाँ से पूरी व्यवस्था करते। और उसने ये कहा कि भाई ये जो है इतने जो है गंदे इलाके हैं ना, इससे जो है पॉइजनस गैस बहुत निकलती है, इसलिए ये जितने भी इलाके हैं ये डिजीज का कारण है और ये अनहेल्दी इन्वायरमेंट को जन्म दे रहे हैं। लिहाजा भाई इन सारे बस्ती वालों को हटाओ, और हटाओ एक बहाना भी था हटाने का, क्योंकि उसको चाहिए था गरीड मठ, उसको चाहिए था एक लॉन्ग विजन वाला जो है एरिया। ये देख रहे हैं, ये वेलेजली का जो है रहने वाला ये इलाका है, देख रहे हैं कितनी भव्य बिल्डिंग बनाई है, और ये पूरी उसने बस्ती खाली करा दी। अब पूरी बस्ती जब उसने खाली करा दी तो यहाँ पर साफ मैदान हो गया। अब यहाँ पर जो तोपे लगी हैं दरअंदर दाग सकती है ना, तो इसलिए वेलेजली ने क्या किया। और अच्छा, फिर क्योंकि कैलकाटा पे शुरू से अंग्रेजों की नजर थी, इस वजह से कैलकाटा को क्या किया, डेवलप किया जाए, क्योंकि राजधानी थी है ना। तो कैसे डेवलप किया जाए, तो सबसे पहले तो इन भारतीयों को यहां से हटाओ, क्योंकि ये गंदगी फैला रहे हैं, ये जो है कि अनहाइजीनिक टाइप का जो है व्यवस्था ला रहे हैं, इसलिए हटाओ इनको। लिहाजा आप यहां पर देखते हैं कि बहुत सारे परिवर्तन हुए हुए। परिवर्तन होने के बाद हम ये देखते हैं कि कई सारे जो है क्या कहते हैं प्लानिंग बनाई। यहाँ पर 1803 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलेजली ने अपने ऊपर वाले लोगों को कहा कि अब हमें यहाँ, ऊपर वाले लोग मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन की जो सत्ता हुआ करती थी, कि हमें यहाँ पर बहुत सारी कमेटियां डेवलप करनी है ताकि वो टाउन प्लानिंग कर सके। ठीक है, बहुत सारे बाजार हो गए, घाट हो गए, या आप ऐसे जगह जहां पर जो है लाशों को जलाया जाता था, इन सारी चीजों को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, साफ सुथरा एकदम इलाका कर दिया गया, ताकि, और इसके पीछे हवाला किस चीज का दिया गया, पब्लिक हेल्थ का हवाला दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि वेलेजली ने जब कमेटियों का जो है मांग की, तो यहाँ पर एक लॉटरी कमेटी आती है, इसका सन याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉटरी सारे लोग जानते हैं कि भाई बहुत कुछ कूपन टाइप के होते हैं, अगर आपका नंबर निकल आए तो आप, और उस नंबर में जितना पैसा है वो आपको मिल जाएगा। लॉटरी कमीशन को बनाने के लिए क्या हुआ कि लोग लालच में लॉटरियां खरीदते थे, और उससे जो पैसा आता था उस पैसे का क्या किया जाता था, उस पैसे से पहली बात तो ये जितना भी एनक्रोचमेंट हुआ करता था इसको हटाया जाता था, इसके बाद रोड वगैरह बनाई जाती थी। इसके बाद आप ये देख रहे हैं कि जो शहर की व्यवस्था है, वो शहर की व्यवस्था जो है क्या कहते हैं अच्छी करने में लॉटरी कमीशन का पैसा लग जाता था, पैसा उड़ा देते थे। क्यों उड़ा देते थे? क्योंकि जो लेबर था लेबर बहुत सस्ता हुआ करता था। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि भारतीय जो बस्ती थी वहां पर कुछ समय के बाद कॉलरा और जो है कहते हैं प्लेग जैसी बीमारियां फैलने शुरू हुई, क्योंकि बेचारे कंजेस्टेड लोग हुआ करते थे 1817 से लेके, और 1896 में यहाँ पर हम देखते हैं कि इन बीमारियों का
आगाज हो चुका था। अब ये बीमारियां तो भाई यूरोप में भी आ चुकी थी, यूरोप में 14th सेंचुरी के आसपास, ठीक है, ये बीमारियां आई थी, क्योंकि 14th सेंचुरी में फ्रांस और इंग्लैंड में बहुत सारे बाहर से ट्रेड होते थे, और इन जहाजों में जो माल आया करता था तो उसके साथ क्या आ जाते थे, चूहे आ जाते थे, और प्लेग आप जानते हैं चूहों के साथ ही फैलता है, ठीक है। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि जब इस तरह से हेल्दी एनवायरनमेंट का हवाला दिया गया और लॉटरी कमीशन बनाया गया, तो भारतीय लोगों ने भी इसका समर्थन किया, जिसमें द्वारकानाथ टैगोर और रुस्तम जी कासव जी हुआ करते थे। अभी द्वारकानाथ के ही जो है बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो आम जनता थी और उनकी जो बस्तियां थी, जिसमें वर्कर थे, हॉकर्स थे, आर्टिसन थे, अनएम्प्लॉयड लोग हुआ करते थे, इन सारे लोगों को एक एक करके क्या होता है कि इन एरिया से बेदखल कर दिया जाता है, बेदखल कर दिया जाता है। अब तो ये कहाँ रहेंगे, जहां मनाए वहां, ठीक है। तो हुआ क्या कि शहर से दूर ये लोग झोपड़पट्टी बना के रहने लगे, लेकिन यहाँ पर 1836 में आप देखते हैं कि इनके लिए कंपल्सन हो गया कि आप थेस्ट यानी वो छप्पर वाले घर नहीं रहेंगे जैसे गांव में देखते हैं, इसकी जगह आप क्या करेंगे, रूफ वाले भवन। आपने देखा, अगर आप गाँव में गए होंगे तो ये हमारे यहाँ तो खपरेल कहा जाता है, ये मिट्टी के इस तरह से रहते हैं और ये छत होती है इस तरह से, यानी एक छतदार मकान बनाने के लिए जो है अंग्रेजों ने दबाव डालना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जब दबाव डालना शुरू कर दिया तो बेचारे गरीब जिनके पास खाने के लिए नहीं था, किसी तरह से ये मकान बनवाने लगे। यहां पर आप देखते हैं कि किसी भी शहर में ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन का सिलसिला हमेशा से शुरू था, लेकिन यहाँ ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन का सिलसिला नहीं था, यहाँ पे भाई हेल्दी और अनहेल्दी कह दिया, ठीक है। और इस हेल्दी और अनहेल्दी ने एक तरह से लोगों को एक दूसरे के पास लाए, और एंटी कॉलोनियलिज्म वाली जो फीलिंग हुआ करती थी और नेशनलिज्म वाली जो फीलिंग हुआ करती थी, इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया, बढ़ावा दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा जो सबसे बड़ा रोड़ा था भारतीय, उन भारतीयों को हटा दिया गया। और इन भारतीयों को हटाने के पीछे मेन जो चीजें थी वो ये कहते थे कि हमें जो है क्या कहते हैं क्या करना है, हमें एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना है, ठीक है, हमें एक बहुत अच्छी जो है शहर की संरचना करनी है, उसको उसका स्ट्रक्चर देना है, ठीक है, और इन स्ट्रक्चर को देने के लिए हमें बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूशन करना है, मैपिंग करनी है, रोड देखनी है, जगह देखनी है, कहाँ पानी है, कहाँ जंगल है, कहाँ ये सारी चीजें। और सबसे बड़ी बात, इन सारी चीजों को कराने के बाद उनको ये लगता था कि ये नगर उनके बाप के हैं, ठीक है, सीधी सी बात, और इसलिए हम इसको ऑर्डर में रख रहे हैं, इनको प्लांट बना रहे हैं, इनको ब्यूटीफाई कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि कलकत्ता की जो पुरानी नवाबों के समय शानो शौकत हुआ करती थी, वो शानो शौकत धीरे धीरे एक तरह से वेस्टर्नाइजेशन में चेंज होने लगी। अब यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं छप्पर वाले नहीं है, ये वही जो मैंने आपको खपरेल वाले मकान बनाए थे, मिट्टी के जो है सीमेंट ऐसे स्ट्रक्चर बना करते थे, जो है छतों पर डाल दिए जाते। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अगर मैं इस चीज को जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो उस तरह की रूफ आपको मिलेगी। एक सेकंड रुकिए, ये देखिए यहाँ पर, नाउ जस्ट सी, ये देखिए वही जो मैं स्ट्रक्चर, ये मिट्टी के बने रहते थे, मिट्टी के बने रहते थे, ये कुछ इस तरह के हुआ करते थे, जैसे आपका नाखून होता है ना, ठीक उसी तरह, ठीक है, और एक के ऊपर एक इस तरह से लगाए जाते थे। तो भारतीयों के नाम पर, सफाई के नाम पर इन सारे लोगों ने शहर का नक्शा ही चेंज कर दिया। तो दोस्तों आज मुंबई के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे, फिर कल मिलते हैं, ओ सॉरी, कलकत्ता के लिए आज इतना ही देखेंगे, मुंबई के लिए किस तरह से जो है प्लानिंग की गई इसको हम आगे लेक्चर में देखेंगे। और प्लीज डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा कि किस तरह से आपके 12th में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।